सतनाम सत साहेब। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी का एक शब्द है, घट अवघट डूगर घना एक निर्गुण बैल हमार। यानी संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी अपने मन को बैल कह रहे हैं कि यह मन एक बैल की तरह होता है। जैसे एक साधारण बैल को यानी बिना नात डाले हुए बैल से किसान खेत की जुताई नहीं कर सकता है, बिना नात डाले वह बैल एक सीधी रेखा में हल नहीं चला सकता है, तो और जब उस पर नात डल जाती है तब वह किसान उससे जुताई कर सकता है और वह बैल सीधी रेखा में चलता है। ऐसे ही कह रहे रविदास जी महाराज जी कि घट अवघट डूगर घना, यानी संसार में रास्ता बहुत ही कठिनाईपूर्ण है और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, अर्थात माया या शैतान के प्रलोभन हमेशा बने रहते हैं। हर पग पग पर, हर सेकंड पर आपको प्रलोभन मिलेंगे। तो क्या कह रहे हैं, घट अवघट डूगर यानी डगर घना एक निर्गुण बैल हमार। यह हमारा मन निर्गुण है यानी इसमें कोई भी गुण नहीं है और यह इस पर फिसल सकता है। तो मन ही यानी सभी धर्मों में भी मन ही महत्वपूर्ण होता है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने एक और अपने सुक्ति में कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन ही सबसे महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए मन सबसे महत्वपूर्ण है। और नीला घोड़ा, जहारवीर बागड़ वाले का एक नीला घोड़ा है, वह भी यही समझाता है कि अपने मन रूपी नीले घोड़े पर नाम रूपी लगाम लगाए जिससे वह एक सीधी रेखा में अर्थात आध्यात्मिकता के मार्ग पर चले। क्योंकि शास्त्रों में मन को घोड़े से, मन को जो है घोड़े के साथ तुलना की गई है, इसलिए वह संत समझाना चाहते हैं अपने अनुयायियों को कि अपने मन रूपी नीले घोड़े पर लगाम लगाएं और वह आध्यात्मिकता के मार्ग पर चले एक सीधी रेखा में। ऐसे ही शिवालय में नंदी भी जो है मन का प्रतीक है। शिवालय में नंदी पर जब नाम रूपी नात डाली जाती है, यानी नंदी का मतलब बैल पर नात डाली जाती है उसके नथुनों में, तभी वह एक सीधी रेखा में चलता है, अन्यथा नहीं चलेगा। तो यही वहाँ पर शंकर जी यही समझाना चाहते हैं कि अपने मन रूपी बैल के ऊपर नात लगाइए, और यहीं से नात संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ है। और बुद्ध जी ने भी कहा है कि मन ही महत्वपूर्ण है, उनके धम्म पद का जो पहला ही पद है उसमें वर्णित है, मन सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिकता पर चलने के लिए, ध्यान साधना में चलने के लिए। और दुर्गा सप्तशती में जो रक्त बीज है वह भी मन का ही प्रतिनिधित्व करता है, और इस रक्त बीज को जब हम ध्यान के द्वारा विवेक जागृत करते हैं, यानी विवेक रूपी जब शेर जागृत हो जाता है, तो यह मन रूपी जो रक्त बीज है बार बार जन्म ले लेता है, तो उसको खत्म किया जाता है। अब ध्यान करना भी मन को ही कंट्रोल करना है, इबादत करना भी मन को ही कंट्रोल करना है, और मन फिराव वाली प्रार्थना करना ईसाई धर्म में भी मन को ही कंट्रोल या नियंत्रण में करना सिखाता है, या ईमान लाना भी मन से ही होता है। तो यानी मन ही सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में मन ही महत्वपूर्ण है। यदि हमें आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना है तो इसे इस मन पर, मन रूपी बैल या नंदी पर या घोड़े पर या रक्त बीज पर अब यानी नाम रूपी लगाम लगाए, तो यह तब जो है एक सीधी रेखा में अर्थात आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलेगा। नहीं तो इस संसार में बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, समय समय पर, हर सेकंड, हर समय पर प्रलोभन बहुत सारे मिलते हैं जिससे कि व्यक्ति भटक जाए, और अधिकतर लोग भटक जाते हैं, और यह मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभता से मिला है और यह व्यर्थ कर देते हैं। तो इसे व्यर्थ न गवाएं और मन रूपी बैल पर लगाम लगाए। तो कह रहे हैं, घट अवघट डुगर घना एक निर्गुण बैल हमार। रमैया शिव एक बिनती मेरी पूंजी राखू मुरारी। कह रहे कि हे मेरे मालिक, हे मेरे राम, जो मेरी पूंजी है, सांसों रूपी जो पूंजी है, जो मैं नाम जाप करता हूँ, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि यह मेरी पूंजी व्यर्थ न हो,
इसको सुरक्षित रखिए, यानी मैं ये संसार में भटकू नहीं। को बंजारो राम को मेरा टांडा लदिया जाए रे। अब संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी समझाना चाहते हैं कि को कौन बंजारा है यहाँ पर, उस मालिक का कोई अंश है जो बंजारा यानी व्यापार कर सकता है। पहले बंजारे जो थे वह व्यापार करते थे, अपने सामान के बदले में कुछ किसानों से अन्न व अन्य सामग्री यानी लेते थे, ये यानी सामानों का आदान प्रदान होता था। तो उस जो आदान प्रदान करता था उसे बंजारा कहा जाता है, कहते थे पहले। तो कह रहे हैं कि को बंजारो राम को मेरा टांडा लदिया जाए रे, यानी यहाँ पर कौन बंजारा है, कौन व्यापार करने वाला है, मेरा तो टांडा यानी तांगा गाड़ी लदी जा रही है राम नाम के उसकी, और आप अपने अवगुणों को छोड़ दीजिए और नाम रूपी जाप करिए, यानी इसका व्यापार करिए, बदल लीजिए इसको, अपने अवगुण हमें दे दीजिए, मालिक को दे दीजिए, और नाम जाप करने का सही तरीका हमसे पूछ लीजिए। तो को बंजारो राम को मेरा टांडा लदिया जाई रे, हाउ बंजारो राम को सहज करो व्यापार, यानी हम बंजारे उस राम के हैं, उस मालिक के हैं, और सहज रूप से व्यापार करते हैं, यानी हम कुछ ऐसे संसारिकता में कुछ नहीं लेते हैं, केवल विषय विकारों को ही खत्म करते हैं, और जो जो हमारे इस सामान को लेता है हम उसे नाम जाप रूपी अमूल्य निधि देते हैं। मैं राम नाम धनु ला दिया बिखु लादी संसार। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने तो राम का नाम धन अमूल्य धन को लादा हुआ है अपनी गाड़ी में, लेकिन संसार क्या ले रहे हैं, संसार ने तो विष को लाद रखा है, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को ही लाद रखा है। उर्वार पार के दानिया लिखु लेहु आल पतालु। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि जन्म मरण के चक्र में डालने वाले या देवलोक को जाने वाले पहुंचाने वाले, यानी माया या शैतान को संबोधित कर रहे हैं कि उर्वार पार के दानिया लिखु लेहु आल पतालु, यानी आप चाहे कुछ भी लिख लीजिए, आल पताल कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन मोहि जम डंडू न लागई तजीले सर्ब जंजाल। मुझे यमराज कोई दंड नहीं देगा क्योंकि मैंने सभी तरह के जंजाल त्याग दिए हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग दिया है। मैं तो निष्काम भाव हूँ, अर्थात संयम क्षमा संतोष और विवेक और विनम्रता धारण किए हुए हूँ। जैसा रंग कुसुम्ब का तैसा इहु संसारु। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि जैसा रंग खरबूजे का होता है ना, खरबूजे को देख कर, कहावत है खरबूजे को देख करके खरबूजा अपना रंग बदल देता है, तो कह रहे हैं कि जैसा रंग कुसुम्ब का तैसा इहु संसारु, यानी ठीक ऐसे ही यह संसार है, यह एक दूसरे को देख करके विषय विकारों में लिप्त हो रहे हैं। मेरे रमैया रंग मजीठ का, मेरे मालिक का या राम का, उस निराकार का जो रंग है, नाम रूपी जो रंग है, वह तो पक्का है, मजीठ का रंग है, उतरने वाला नहीं है। कहूँ रविदास चमार, यानी रविदास चमार यह कहता है कि मेरे राम का या मालिक का रंग तो बहुत ही पक्का है, इसे जो है माया या शैतान के चक्कर में यानी वहाँ वह भी इसको प्रलोभित नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल पक्का रंग लग गया है नाम राप नाम जाप का। तो वास्तव में नाम जाप एक ऐसा रंग है जो एक बार लग जाता है तो उतरने का नाम नहीं लेता है, यही एक ऐसी मदिरा है जो एक बार चढ़ जाती है किसी संत को उतरने का नाम नहीं लेती है। तो आप सभी इसको पी सकते हैं, पान कर सकते हैं नाम जाप का, और इस रंग में रंग सकते हैं अपने आप को, और उस मालिक में मिला सकते हैं सतनाम सत्साहित।